हेलो गाइस, कैसे हो सब? तो यार आज एक और नए वीडियो के साथ वापस हो रहे हैं भाई लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ साउथ की टॉप 5 न्यू रिलीज रोमांटिक लव स्टोरी मूवीज के बारे में। जी हाँ गाइस, हाल फिलहाल में रिलीज हुई साउथ की टॉप 5 कौन कौन सी वो लव स्टोरी मूवीज है वो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप सभी को लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट सब्सक्राइब करो। तो आओ यार फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर 4.5 IMDb रेटिंग के साथ आती है रोमांटिक, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक ठीक ठाक ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। बात की जाए अगर इस मूवी के बारे में, सो गाइस ये मूवी उतनी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन एक बढ़िया ठीक ठाक रोमांटिक मूवी। अगर आप सभी को रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देख सकते हो, ये फिल्म आप सभी को जरूर पसंद आएगी। बात की जाए अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, सो गाइस इस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड होती है एक पुलिस वाले के ऊपर। जी हां गाइस, एक यंग पुलिस वाला होता है और उसे एक लड़की वो एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही जो है उस लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद जो है उनका काफी सारा सीन चलता है और बाद में पता चलता है कि जो लड़की है वो जो है कानूनी तौर पर अपराधी है। तो उसके बाद क्या क्या होता है वो आप सभी को इस मूवी के अंदर देखना है। फिल्म की स्टोरी लाइन जो है वो ठीक ठाक है, उतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं है, लेकिन अगर आप सभी को एक बढ़िया रोमांटिक मूवी देखना है तो आप जाकर इस मूवी को देख सकते हो। ये फिल्म आप सभी को यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, आसानी से इस फिल्म को देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। नंबर 4 पर 6.6 IMDb रेटिंग के साथ आती है सुबह हो गई तो गुरुवार। जी हां गाइस, ये इस मूवी का नाम है, कैसे कैसे नाम रख देते हैं यार ये। वैसे जस्ट छोड़ो, आते हैं इस मूवी के ऊपर। सो गाइस, ये फिल्म रिलीज हुई थी 2021 में और ये एक जबरदस्त रोमांटिक ड्रामा मूवी है। जी हां गाइस, इस फिल्म के अंदर आप सभी को बढ़िया कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। बात की जाए अगर इस फिल्म के और डिटेल्स के बारे में, सो गाइस ये फिल्म काफी सही है। अगर आप सभी को बढ़िया लव स्टोरी के साथ और उसके अंदर मस्त कॉमेडी भी देखनी है, मस्त मूवी एंजॉय करना है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। फिल्म की अगर स्टोरी लाइन के बारे में आप सभी को बताऊं, सो गाइस फिल्म की स्टोरी लाइन के अंदर आप सभी को एक लड़का और एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जहां पर दोनों की जो शादी होने वाली होता है, रिश्ता विश्ता सब फिक्स होकर शादी होने वाली होती है। उसके बाद पता चलता है कि दोनों जो है वो किसी और दूसरे से प्यार करते हैं। तो उसके बाद क्या सीन होता है, क्या उन्हें वो शादी करनी पड़ती है या फिर वो भाग जाते हैं, वो सब आप सभी को इस मूवी के अंदर देखना है। फिल्म बढ़िया है, फिल्म के अंदर आप सभी को रोमांटिक के साथ साथ बढ़िया कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है जाकर देख सकते हो। ये फिल्म भी यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। नंबर 3 पर 7.2 IMDb रेटिंग के साथ आती है बंडलबाज, जो कि 2015 में रिलीज हुई एक जबरदस्त एक्शन रोमांस मूवी थी। इस मूवी के अंदर आप सभी को विजय सेतुपति का दमदार एक्शन और रोमांस दोनों ही देखने को मिलने वाले हैं। बात की जाए अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, सो गाइस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड होती है एक लड़का एक लड़की के अराउंड, जहां पर जो लड़का होता है वो लड़की को देखता है और उसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। लेकिन लड़की जो है वो उससे प्यार करने के लिए एक कंडीशन रख देती है। वो कंडीशन ये होती है कि जो भी गैंगस्टरों ने उसके माता पिता को मारा है, उस लड़की के माता पिता को मारा है, उससे उससे बदला लेना पड़ेगा। सो गाइस, क्या होता है आगे, वो बदला ले पाता है या नहीं और क्या क्या सीन होते हैं वो सब आप सभी को इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी बढ़िया है, फिल्म के अंदर आप सभी को जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है और बढ़िया रोमांस भी देखने को मिल जाता है। ये फिल्म रिलीज हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अब ये फिल्म जो है वो ऑफिशियली यूट्यूब पर आ चुकी है, जाकर इस मूवी को देख सकते हो। फिल्म के अंदर आप सभी को नयनतारा और विजय सेतुपति लीड रोल में देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, इस फिल्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर इंटरेस्टेड हो जो जाके देख सकते हो। नंबर 2 पर 7.7 IMDb रेटिंग के साथ आती है राजा ताकतवर, जो कि 2007 में रिलीज हुई एक जबरदस्त रोमांस एक्शन मूवी थी। बात की जाए अगर इस मूवी के बारे में, सो गाइस ये मूवी क्यों है धनुष की है और धनुष वो पुराने वाले, अब जो है धनुष काफी ज्यादा बदल गए हैं, लेकिन धनुष की एक्टिंग अभी भी वही है। बात की जाए अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, सो गाइस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड होती है एक बंदे के ऊपर जिसका नाम होता है प्रभु। उसकी एक बाइक होती है और वो चोरी हो जाती है, काफी ढूंढने के बाद उसे नहीं मिलती और फिर बाद में उसे पता चलता है कि उसकी जो बाइक है वो ड्रग्स के कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इन्हीं सब कहानी के बीच में किस तरीके से आप सभी को एक जबरदस्त जो है लव स्टोरी दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, आप सभी को काफी मजा आता है देखते समय। जी हां गाइस, एक जबरदस्त लव स्टोरी भी आप सभी को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाती है। वो क्या है वो आप सभी को इस मूवी को देखते समय पता चल जाएगा। फिल्म बढ़िया है, अगर आप सभी को धनुष के फैन हो, आप सभी को धनुष की एक्टिंग पसंद आती है तो इस मूवी को गलती से भी मिस मत करना। नहीं तो अगर आप सभी को रोमांटिक ड्रामा देखना ही है तो आप सभी को मजा तो आने ही वाला है। फिल्म के अंदर बढ़िया एक्शन के साथ साथ मस्त रोमांस भी देखने को मिल जाता है। फिल्म ये जो है वो यूट्यूब पर आ चुकी है, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आसानी से इस मूवी को देख सकते हो। तो भाई लोग, नंबर 1 पर 8.1 IMDb रेटिंग के साथ आती है ओ माय कडावले, जो कि यार 2020 में रिलीज हुई एक जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। बात की जाए अगर इस मूवी के बारे में, सो गाइस ये मूवी तो आप सभी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जी हां गाइस, ये मूवी एकदम जबरदस्त है। इस फिल्म को तो आप सभी को, अगर आप सभी को रोमांटिक ड्रामा पसंद है तो ये मूवी
मूवी को गलती से भी मिस मत करना। इस फिल्म के अंदर आप सभी को जबरदस्त एकदम अलग हटकर की स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। बात की जाए अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, सो गाइस इस फिल्म की स्टोरी लाइन जो है वो बेस्ड होती है दो दोस्तों के ऊपर जो कि बचपन से दोस्त होते हैं और उनकी आपस में काफी अच्छी बनती है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो अब शादी कर लेते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद जो है वो परिस्थितियां बदल जाती हैं और जो प्यार जो है वो नफरत में किस तरीके से फैलता चला जाता है और क्या क्या होता है वो आप सभी को इस मूवी में देखना है। फिर किस तरीके से विजय सेतुपति का कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर एंट्री लेता है और क्या क्या होता है वो सारा बवाल आप सभी को इस मूवी के अंदर काफी अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर जो कॉमेडी है और फिल्म के अंदर जो लव को लेकर एक मस्त मैसेज दिया गया है, जो मस्त चीजें सीखने को मिलती हैं वो भी काफी जबरदस्त है। फिल्म बढ़िया है, काफी जबरदस्त रोमांटिक मस्त इंजॉयबल मूवी है, आप सभी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को देखना चाहते हो तो गाइस ये फिल्म आप सभी को सोनी मैक्स टीवी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, नहीं तो ये फिल्म आप सभी को यूट्यूब पर सर्च करके देखना पड़ेगा। यूट्यूब पर अगर आप सभी को मिलती है तो जाकर देख लेना अनऑफिशियली, अगर मुझे मिलती है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो भाई लोग यही थी साउथ की वो टॉप 5 रोमांटिक लव स्टोरी मूवीज जो कि हाल ही में रिलीज हुई हैं। सो गाइस इनमें से आपने किस किस फिल्म को पहले से देख लिया, कौन सी फिल्म आप देखने वाले हो और अगर देख लिया तो आप सभी को सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप सभी को ऐसी और मस्त लव स्टोरी मूवीज देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप सभी को साउथ इंडियन मूवीज देखना पसंद है, साउथ इंडियन मूवीज के फैन हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं मेरे चैनल पर लेकर आता रहता हूं। सो गाइस मिलता हूं सभी से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।